फाइनली आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद, 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है मेरे ख्याल से शायद, तो 7 दिन के बाद फिर से आई एम बैक ऑन दिस चैनल और आज बनाने वाले हम वीडियो। और पिछले 7-8 दिनों से हम वीडियो नहीं डाल रहे थे, उसका रीज़न अगर जानना है तो लास्ट वाला जो लाइव सेशन है वो ज़रूर देखना, अगर इनके हिसाब जानना चाहते हो किस वजह से हम लेट हो गए थे वीडियो डालने में। टेल टाइडी निकालने के बाद क्या होता है बाइक के साथ दिखाते चलिए। तो इनकेस आपका बाइक का हालत भी कुछ ऐसा हो रखा है, टेल टाइडी निकाल उकाल के रखे हो, तो उसको ज़रूर जल्द से जल्द लगा लो, क्योंकि यही हालत होने वाला है आपके बाइक के साथ भी। फिलहाल मॉनसून का सीजन चल रहा है तो ऐसा ही होने वाला है। एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स जंप इनटू द गैराज और बाइक लेके निकलते हैं बाहर। चलो, तुम तो बहुत गर्म हो चुकी हो जाने मन, अभी तुमको और नहीं गर्म करते हैं, चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में बाइक पड़ पड़ के लगभग सड़ चुका है। पीछे के टायर में देखिए हवा भी नहीं है, हवा डाल लेते हैं और आगे भी डालना है। बाइक चल चुका है 49,822 किलोमीटर, लगभग 50,000 किलोमीटर होने ही वाला था ड्यू टू लॉकडाउन, कब का हो जाता है, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन ये थम चुका है, गाड़ी रुक चुका है। 50,000 में हम सोच रहे थे कि आरत्री का एक ऑनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू देंगे, तो शायद से पहले ही देना पड़ेगा। लोगों को इतनी हड़बड़ी है कि कंधे के ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, पीछे से बाइक वाला, आगे से गाड़ी वाला, चले हम भी है, हम भी डाल दिए एकदम कोना पकड़ के, लो कर लो बात, हिमालय के ऊपर चढ़ के नीचे उतरना पड़ेगा, यही है सिलसिला आलम हमारे लोकेलिटी। और उसके बाद नदी क्रॉस करना पड़ता है, कौन जाएगा भाई साहब लद्दाख, लद्दाख तो घर में मिल जाता है। हमें जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप, ईंधन द पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। मारुति 800 अभी भी सपना, बचपन थे तब भी सपना था और अभी भी सपना है कि एक मारुति 800 हो, उसमें एनाकोंडा जैसा टायर लगाए हम और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करें एग्जॉस्ट का। आए हाय हाय, 500 रुपए ही बचा है, लेके आए हैं, जितना भी जमा पूंजी था सब कुछ तो खत्म हो चुका है, यही एक गांधी बचा हुआ है घर में। क्या दिन आ चुका है, पहले नोटों के ऊपर सोते थे, अभी नोट ही गायब हो गया है। मजाक कर रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को याद होगा या नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था चैनल में, समाज सेवा या गुंडागर्दी बोल के। उस वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपको कुछ देखना है, क्या देखना है सब कुछ हम थोड़ी बताएंगे, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। तो वो वाले वीडियो में हम कुछ पूछे थे कि आपको ये देखना है, क्या आपको वो देखना है, तो सोच रहे हम आज आपको वो दिखा ही दे, तो उसके चलते जाना पड़ेगा हमें थोड़ा दूर, तो वहीं पर जा रहे हम आज। टूरिस्ट परमिट ओबे, नो 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 नो, आई विल नॉट ओबे यू, आई विल ओबे द इंडियन लॉ एंड ऑर्डर। ओ मैम साहब, ऐसे बात करोगे तो गर्दन टेढ़ा हो जाएगा। चलो खैर, जो भी हो, अगर फोन ऑन आता है गर्दन टेढ़ा करके बात करना भी सही है, अगर हेलमेट पहन लेते तो बात कहाँ से करवाते है कि नहीं, और बिना बात किए हुए तो भाई दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, है कि नहीं। तो हेलमेट मत पहनो, फोन कान में लगा के गाड़ी चलाओ, सही बात है। वाह, बहुत दिनों के बाद आफ्टर ट्विस्टिंग द थ्रोटल, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनसाइड माय हार्ट। वा भाई साहब, रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमें देखो, उधर कहाँ देख रहे हो। और जब भी गुवाहाटी में बारिश होता है, दिस इज द पार्टिकुलर स्पॉट जहाँ पे, जी हाँ हुजूर, फरमाइएगा, गले तक पानी होता है। हमारे अम्मी अब्बू जब हज के लिए निकले थे तो हम छोड़ने गए थे एयरपोर्ट, उस दिन हमारा स्विफ्ट डिजायर यहाँ पे स्विमिंग पूल बन चुका था और यहाँ पे वो डुबकी लगा के पार किए थे। ओ भाई साहब, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, मैं कभी भी हॉर्न वगैरह दबाता तो अगर रोड क्रॉसिंग में अगर कुत्ता वगैरह कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो वो आराम से रुक जाता है हॉर्न मारने के बाद, लेकिन इंसान नहीं रुकता। अगर रोड वगैरह क्रॉस करते हम, हॉर्न मार लो चाहे कुछ भी कर लो, हमारे अंदर में, स्पेशली इन इंडिया, हमारे अंदर में एक ट्रैफिक पुलिस रहता है, छुपे हुए इस दिल के कोने पर एक ट्रैफिक पुलिस रहता है, जो कि हरदम सोचता है कि हम हाथ ऊँचा कर देंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। क्या मियाँ, कार्टून में क्या लेके जाती है? अरे पिलपिली वाले भैया, थोड़ा रुक जाओ। हाँ, हमारे ठीक सामने है किडनैपिंग कार, इसी गाड़ी से किडनैपिंग वगैरह होता है, पहले होता था मूवी में। अरे बाप रे बाप, भाई साहब काफ़ी जोश में लग रहे हैं, तो इनके पीछे हम नहीं जा सकते हैं, तो इनको ओवरटेक करके निकलना पड़ेगा। मारुति वैन में ट्रैफिक फिल्टर करने में ईजी होता है, क्योंकि सामने तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, गाड़ी आके यहीं पे ख़त्म, ढास। तो ब्रेक मारो कहीं पे कुछ भी करो, मतलब एकदम सामने का नज़ारा जो है काफ़ी डरावना लगता है। ठीक है भाई साहब, बाय बाय, थैंक यू ट्रैफिक वाले भैया, आपने हमें नहीं रोका। तो बाइक को अभी 100 के ऊपर भगाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं हाईवे पर।
नहीं, ये धोखाधारी वाला स्पीड ब्रेकर है। दूर से लगेगा कि स्पीड ब्रेकर है, सामने जाओ ऊपर में चढ़ा दो तो स्पीड ब्रेकर गायब। ये स्पीड ब्रेकर नहीं, चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला। क्या लिखे हो? GPS टूरिस्ट टैक्सी। वाह भाई वाह, हम जब यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगवाएंगे तब हम भी लिखेंगे GPS इनेबल्ड मोटो ब्लॉगर। अगर ब्रेक मारने से निकल के आ जाए ना भाई साहब, तो खत्म कहानी वहीं पर। भैया मुझे जाने दो भैया, थैंक यू। अरे सामने तो ट्रैफिक है रे बाबा। अरे टेंशन न को, हमको ट्रैफिक फिल्टर करना आता है रे बाबा। लेकिन इतना छोटा गैप से कैसे निकालोगे भैया? टेंशन मत लो, हम निकाल लेंगे, हमारे पास सुपर पावर है। देखो ये देखो, हश हश थक गए तुझ पे हस हस, मेरे जैसा एक नहीं तेरे जैसे दस दस, नस नस में बसे करें हम डस डस। आईना को निकाल लेते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो ताबड़तोड़ गाड़ी है रे बाबा। ओह कितने दिनों बाद बाइक रोड पे चल रही है और बाजू में माउंटेन, काफी अच्छा लग रहा है। और नया नया टार्मेक का जो बदबू है वो आ रहा है हमारे नाक में। ये कौन सा गाड़ी है भाई साहब? अच्छा अच्छा अच्छा, टाटा टिगोर। कैसा लगता है आपको ये गाड़ी? और आज लगभग 3 या 4 महीने बाद, 4 महीने बाद आज हमारा बाइक जो है वो सरायघाट ब्रिज क्रॉस करने वाला है। गुवाहाटी का सरायघाट ब्रिज हमारा बाइक आज क्रॉस करेगा। ए भाल लागी से मोर मोंटू आजी, ईमान भाल लागी से जेमो की कोरी, हम क्या करे क्या करे बोलते बोलते क्या गाड़ी आ गया सामने। जी हाँ, ये है किया गाड़ी, किया मोटर्स। सो गाइस, इस तरह का जो ट्रक वगैरह होता है जिनमें बहुत सारा व्हील्स, तो हाईएस्ट व्हील्स आपने कितना देखा है? मैंने देखा था 51 या 54 व्हील्स, ऐसा कुछ देखा था, सही से याद नहीं है, लेकिन 50 प्लस व्हील्स का मैंने ट्रक देखा था उड़ीसा साइड में। आपने कितना व्हील का ट्रक देखा है? और मुझे ये भी याद है कि वो वाला ट्रक जो है वो लेके जा रहा था विंडमिल का जो पंखा होता है ना, वो बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो विंडमिल का पंखा जिस ट्रक में रहता है वो वाला ट्रक का पहिया भी बहुत सारा होता है। नहीं, हमें एयरपोर्ट नहीं जाना, हमें आज ब्रिज क्रॉस करना है। और रोंगिया पाथसला तेजपुर गुवाहाटी, भाल लागी से दादा मोक। वाओ, गुवाहाटी इज सो ब्यूटीफुल। अगर नॉर्थ ईस्ट में सेटल करना चाहते हो, अगर गर्मी सर्वाइव कर सकते हो गर्मियों में, तो गुवाहाटी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। बाकी अगर अच्छा वाला क्लाइमेट चाहिए, मौसम चाहिए, तो शिलोंग जाकर सेटल हो जाओ। और अगर अपने आप को दिग्गज समझते हो और ठंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ठंड सहने का बहुत हाईफाई एक्सपीरियंस है, तो भाई साहब तवांग जाके घर बना लो। और पानी का लेवल काफ़ी चढ़ चुका है, अभी ब्रिज के नीचे है ब्रह्मपुत्र रिवर, पानी का लेवल काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। तो रिगार्डिंग असम फ्लड के लिए जो डोनेशन लेने वाला था मैं लाइव आकर, वो हो चुका है कैंसिल। एनीवेज फिर से मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, अगर आपको थोड़ा भी हेल्प करना है असम फ्लड रिगार्डिंग, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके हेल्प कर सकते हो। पैसे से हो या फिर कोई भी सामान दे के आप हेल्प कर सकते हो। क्या क्या सामान देना है नहीं देना है वो स्क्रीन के बाजू में आ जाएगा, इधर में या फिर इधर में आ जाएगा, आप देख लेना। और कॉन्टेक्ट करके आपसे जो बन पाए आप प्लीज़ डोनेट कर देना, इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोनेट कर दीजिए। ओके जी, तो आगे बढ़ते हैं। यूँ ही बतियाते सरायघाट ब्रिज भी क्रॉस कर चुके हैं। हमें ये सामने वाला फ्लाईओवर में चढ़ना नहीं है, हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा हाजू की तरफ। हाजू आज मौसम लेकिन सही है, पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रहा था, आज थोड़ा धूप है तो अच्छा लग रहा है। के पहुंच चुके हैं लगभग हम हमारे मंजिल के, और यहाँ पे रोकना पड़ेगा हमारा वाहन। क्यों रोकना पड़ेगा? रोकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं उनका आएगा GPS लोकेशन, और उस लोकेशन में हमें जाना है। क्यों भाई साहब, क्या बोलते हो? उड़ी बाबा, ये की गोंडोगोल एनवायरनमेंट में, ग्लोबल वार्मिंग ये वो फलाना डिमका हो रहा है, और सामने देखिए वातावरण में वो दूषित हवा बह रही है। इन्होंने दिया है GPS लोकेशन एंड आई नीड टू फॉलो द डायरेक्शन टू रीच द डेस्टिनेशन। आमिनगांव दौल गोविंद रोड 1.8 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो जवानों। अरे सामने तो अच्छा खासा गुफा है, गुफा के अंदर क्या करना ज़रूरी है वो तो आपको पता है, वो करेंगे हम, है कि नहीं? चलो चलो, सुपर बाइक ना सही लेकिन सुपर बाइक जैसा फील तो होता है। मुझे लग रहा है कि यही लेफ्ट होगा, लग तो रहा है कि यही लेफ्ट होना चाहिए। देखो बोली रहते और एक मित्र मिल गए,
चलो मित्र के पास चलते हैं। हमारे मित्र मिल चुके हैं, शिवम भाई थोड़ा बहुत दे दो, बहुत दूर से आए हैं हल चला के। हाँ सैनिटाइजेशन इस उसके बाद हाथ मिलाना है। लो हाथ मिलाओ, आपको मिलाना है भैया, आपका तो फोड़ा हो चुका है। हम फोड़ा फोड़ा को ब्रेक करने में एक्सपर्ट है, ब्रेक कर देने ही नहीं, फोड़ा ब्रेकर, आई एम ए ग्रेट फोड़ा ब्रेकर। 2 hours later तो जो गए थे आमीन गांव, वहाँ पे जो काम था वो निपटा के फिर वापस ही आ चुके हैं हमारे घर के नज़दीक में। तो वहाँ पे जाके क्या काम हुआ नहीं हुआ वो दूसरे वीडियो में आएगा। जी हाँ, तो आज कल इतना है दोस्तों। या तो वीडियो देखो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन ड्रीम बिग, बी पैशनेट एंड ऑलवेज राइड सेफ। और इनको बोलिए चैनल फिर से शुरू कर दे, बहुत दिन से वीडियो नहीं डाले। बाय बाय। बोल बचन कम कर, बोला ना बकचोदी बंद कर, खड़े जम कर, दिल रजा मंद कर, बत्ती बना और जाकती गरम कर, हड्डी ना हड्डी भाई चीनी है कम चल, ये छोटे जैसे चीनियों के होते सिक्के खोटे उड़े तोते मेरी बात सुन।